राम राम जी सभी भाइयों को, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। भाई एक बात थी, डॉग ब्रीडिंग के मामले में स्पेशल है ये। कई भाई ब्रीडर जो कई लोगों के साथ गलत करते हैं, गलत कह लो या मतलब हद से ज़्यादा गलत कह लो, दोनों चीज़ आती उसमें। क्योंकि देखो, अब मान के चलो मेरे पास कोई फीमेल है और मैंने किसी भाई को देनी है, तो मैं क्या कहूँगा, भाई साहब मेरे को एक बच्चा इसका दे देना ताकि मेरी फीमेल की कीमत हो जाए पूरी, उसके बाद बच्चे आपके और फीमेल आपकी, उसके बाद मेरा कोई हक नहीं है इस पे। या फिर कई बार हम क्या करते हैं, आधे पे दे देते हैं फीमेल। स्टड का बच्चा निकालने के बाद जो बच्चे बच गए, चाहे 5 बचे, चाहे 7 बचे, चाहे 10 हो, वो आधे आधे किए जाते हैं। लेकिन कई भाइयों से मेरी बात होती रहती है। अभी भी एक भाई से बात हो रही थी आज, तो उसने कहा कि मेरे को एक है ना जर्मन शेफर्ड की फीमेल दी थी एक भाई ने, और कंडीशन ये थी कि हर बार उससे एक बच्चा लेगा वो। मतलब जिस ब्रीडर ने उसको फीमेल दी है, वो फीमेल का हर लीटर के ऊपर एक बच्चा उससे लेता रहेगा। भाई ये गलत है मेरी तरफ से, तो आपकी थ्योरी आपके पास रहेगी जैसी भी रहेगी, ठीक है? क्योंकि देखो, वैसे तो आपकी जैसे फीमेल है 10,000 रुपये की, और आपको उसने एक बच्चा दे दिया पहले लीटर के ऊपर, आपने वो बच्चा 10,000 रुपये का बेच दिया, उसके बाद जो बच गया उस भाई का हक है सारी चीज़ों के ऊपर। और हर बार लीटर के ऊपर, लीटर के ऊपर, हर लीटर पे बच्चा लेते रहोगे तो वो फीमेल तो आपकी लाखों रुपए की होगी भाई, ठीक है? नहीं, इससे अच्छा दे हो ही मत, अब अपने पास ही रखो। दूसरा, अब जो आधे के ऊपर फीमेल दी जाती है, वो कंडीशन है कि भाई इसमें से आधे बच्चे मैं लूंगा और आधे हैं आपके। अगर 3 बच्चे हैं तो डेढ़ उसका और डेढ़ उसका, उसके बाद फीमेल उस भाई की रहेगी और आगे जो लीटर रहेंगे वो उसी भाई के रहेंगे, क्योंकि वो मेहनत करता है, उनको खिलाता पिलाता है भाई, उनकी पोटी उठाता है। ऐसा नजायज काम मत किया करो उनके साथ, मेरा मानना तो है ये। बाकी आपको जो अच्छा लगता है आप अपने तरीके से करते रहें, पर जो भाई नए आना चाहते हैं इस लाइन के अंदर, एक शौक रखना चाहते हैं, कई भाइयों के पास सिस्टम नहीं होता पैसे लगाने का, तो वो क्या सोचते हैं, वो दूसरे को ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि भाई मुझे आधे पे या एक बच्चे के हिसाब से कोई फीमेल दे दे और मैं अपना उस तरीके से काम सेटलमेंट कर पाऊँ। लेकिन भाई साहब, आपने तो आपकी 10,000 रुपये वाली फीमेल 1,00,000 रुपये की बेच दी है ना। अगर 10 लीटर उसने ले लिए तो 10 बच्चे आपके घर पे आ गए, 10 बच्चे आपके घर आ गए, तो आपकी तो फीमेल 1,00,000 की होगी ना, ठीक है? तो जो नए भाई हैं उनको कंडीशन बताई दी है, अगर आपको एक बच्चे के ऊपर फीमेल लेनी है तो उससे एक ही बच्चा देने के बाद फीमेल आपकी, बच्चे आपके। अब अगर आधे पे फीमेल लेते हो आप किसी से, तो आधे बच्चे उसको देने के बाद फीमेल आपकी, बच्चे आपके, ये तरीका है। या फिर दूसरी कंडीशन के ऊपर फीमेल ले लीजिए, आप उनसे बात कीजिए कि भाई साहब ऐसा देखिए, चलिए आपको भरोसे पे मेरे को बच्चे पे दे रहे हो, लेकिन मैं आपकी फीमेल को कीमत पे लेता हूँ, और जब ये फीमेल बच्चे दे देगी तो बच्चे बेचने के बाद फर्स्ट पेमेंट हम आपकी दे देंगे, ये कंडीशनें होती हैं। लेकिन कुछ भाई आपके भोलेपन का नजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, आपको इन चीज़ों की जानकारी नहीं, इसलिए आपके साथ नजायज़ करते हैं। मैंने आज तक किसी को भी फीमेल दी है, ज़्यादा नहीं कहता मैं, 200 डॉग मैंने बाई एडॉप्शनों में दिए हैं अपने यार दोस्तों को, मित्रों को, लेकिन सबके साथ एक कंडीशन होती है मेरी, जब भी फीमेल बच्चे देगी तो एक बच्चा मैं अपनी पसंद का उठाऊंगा इसमें से, उसके बाद फीमेल आपकी, बच्चे आपके। अगर फीमेल बाई चांस उसके घर मर जाती है तो मैं उससे कभी पैसे नहीं मांगता, क्योंकि भाई मरना जीना ऊपर वाले के हाथ में है, आपने तो मेहनत की है उसके लिए, आपने उसको ज़बरदस्ती मारा नहीं। लेकिन जो भाई नाजायज कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल वीडियो बनाई है ये, और वीडियो को शेयर करना ताकि जो नए भाई आना चाहते हैं इस लाइन में या जिसके पास पेमेंट का जुगाड़ नहीं है, तो वो सावधानी से थोड़ा अपना काम कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर देना और अपने पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर सभी जानकारी अच्छी देने की कोशिश करते हैं। बाकी तो फेक अकाउंट बना के भौंकने वाले कुत्ते आते रहेंगे, उनसे डरना लगता अपने को। डरता तो मैं किसी से नहीं, लेकिन वो गलत बोलते हैं ना, इसलिए उनकी कमेंट पहले ही हाइड हो जाती है। लेकिन कल ने एक चूतिया कहा मेरे को कि चूतिया बना रहा है, तो भाई साहब आपको, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए स्पेशल वर्ड है, चूतिया को हमेशा चूतिया ही दिखाई देते हैं, याद रखना मेरी बात। और मर्द का बच्चा है ना, तो रियल आईडी से या डायरेक्ट फ़ोन पर बात कर, फेक अकाउंट बना के बकचोदी मत किया करो।